नहीं तो मतलब हमारे पास नहीं कोई राशन पानी है, नहीं खाने पीने का है, नहीं कोई तेल है, कोई चाय है, कुछ भी नहीं है, मतलब जंगल के अंदर पड़े हैं आपके सामने। दोस्तों इस बार बाबा रामदेव जी का मेला नहीं होने के कारण मेला स्थगित हो गया शायद, और जो ये लोग हैं इन लोगों में काफ़ी रोष है और सभी दूसरी जनता में भी काफ़ी रोष है, और मेला स्थगित होने के कारण लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और जनता भी पब्लिक भी परेशान हो रही है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए तो हमने आया आज ये वीडियो बनाया, जानते हैं झूले वालों से इनका क्या हाल है। भाई साहब से बात करेंगे, जय बाबा की। भाई साहब, जय बाबा की। शुभ नाम आपको? इमरान। इमरान जी कहाँ से आए हैं? टाटोटी से। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। और जय बाबा जी। जय बाबा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गरीब है। गरीब। आपका? हर साल ही आते हैं आप? हाँ, हर साल आते हैं। देखिए दोस्तों, हर साल यहाँ पे आते हैं बाबा की। आपको अभी आए हुए कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए। यही हो या कहीं इधर उधर जाके? पहले बिसलपुर थे, बिसलपुर से फिर यहाँ 20 रोज हो गए। अभी इस जगह पे, इस जगह जो है अभी इस जगह पे आपको 20 दिन हो गए? यहाँ पे 20 दिन हो जाएंगे, मेरे को मेला समय 1 महीना हो जाएगा इसी जगह। इधर उधर कहीं गए नहीं, मेला कहीं किया ही नहीं। देखिए दोस्तों, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, और इस साल लॉकडाउन की वजह से काफी इन लोगों को तकलीफ और परेशानी, जो आप सब जानते हो ये चीज, और हम सब भी जानते हैं, लेकिन इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। सही है कि नहीं? लॉकडाउन की वजह से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों की देखो ना हालत कैसे हो रही है, बच्चों की हालत बहुत ज्यादा वो हो गई है, और इसमें जो आपके जो ये ठाटोती साइड में सारे लोग यही काम करते हैं। फिर इन लोगों का तो एकदम पूरा रोजगार नहीं है, मतलब और मतलब झूले के अलावा कोई रोजगार नहीं है, नहीं खेती बाड़ी है, नहीं मतलब पैसा है। यही हमारा मतलब, यही हमारे माँ बाप है, और यही हमारा धंधा है, यही हमारा रोजगार है, यही रोजगार। तो आप लोगों ने भी सुना इनकी बात को, और मुझे नहीं लगा था, मैं सोचा कि इनसे बात करेंगे तो पता नहीं क्या, क्योंकि देखिए आप सब सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई अपन यहाँ का वीडियो डालेंगे तो इन लोगों को दिक्कत आ सके, लेकिन अपने ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अपना चैनल पे जो रेगुलर जो लोग देखते हैं वो सब गाँव के लोग देखते हैं, और अपने कोई ऐसे सरकार वाले लोग मतलब बड़े लोग नहीं देखते, तो ये इसीलिए आप लोगों को इनकी बात को समझनी चाहिए। और अभी जो अभी कंटिन्यू ये मेला रहेगा तो अच्छा रहेगा इस बार मेला। हम लोग ऐसी चीज है कि ये ऐसा सामान है कि मेले में जो आदमी बिछड़ा होता ना वो मिलता है, मेले के अंदर मिलता है ना, मतलब 12 साल का आदमी मेले के अंदर मिल जाता है, 12 साल का आदमी मतलब मेले के अंदर मिल जाता है। और हम जो लोग है मतलब बहुत परेशान है इस लॉकडाउन की वजह से, और मतलब बाजार के अंदर जो भीड़ रहती है वो काफी रहती है, अगर उसके अंदर कोई लॉकडाउन नहीं है। अभी झूले पे कौन सा लॉकडाउन है? नहीं है, नहीं है ना, नहीं। मेला ऐसी चीज है, छड़े बिष्टे आदमी आते हैं मेले के अंदर, और मार्केट के अंदर हमेशा भीड़ रहती है ना, वो कोई प्रशासन या पुलिस कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। अब हमारा जुगाड़ जो है मतलब बंद करा दिया, अब हमारी यही खेती बाड़ी है, इसी से हमारे बच्चे जीते हैं और इसी से हम खाते पीते हैं। ये बात, अगर यही अगर हमारा बंद हो जाएगा तो हमारा कुछ ही नहीं। इसको बंद नहीं करवाना चाहिए इसमें तो, इसको ताके मतलब चलाना चाहिए, और इसके अंदर कोई ऐसा कोई हादसा वगैरह हुआ नहीं आज तक, हमारे बाप दादा चलाते थे इसको, पीढ़ी होगी हमारे। सही है, है ना, और मतलब ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ आसपास एरिया के अंदर। नहीं दोस्तों, मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप कभी मेले में आते हैं और आपको जैसे जो भी आपसे झूले की जो रेट मांगते हैं वो आपको निश्चिंत होकर देनी चाहिए, इसमें इनकी बहुत मेहनत। अब आप सोच सकते हो 20 दिन को इनको यहाँ आए होंगे, 20 दिन में इनके साथ 5 आदमी है, परिवार है, खाना पीना, और लोग आते हैं ऐसे गाँव के, मुझे पता है, अरे यार 20 रुपए ले रहे हो, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, बोलते कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं 20 रुपए को ज्यादा नहीं है, मतलब 20 रुपए मैं तो ऐसा अंदाज से बता रहा हूँ, बाकी 30 रुपए ऐसे कुछ लेते हैं आप कम से कम। एक मेले के अंदर हम जाते हैं तो 20-30 हजार का खर्चा पकड़ जाता है ना। अब हम 30-40 हजार कमाते हैं तो हम कट पीट के ना हमारा गुजारा कर लेते हैं, गुजारा कर। अब काम ही आपका यही है, पुराने लोग ही आपके यही करते आ रहे हैं। अब नौकरी पे हम जाते हैं, हमारे को नौकरी मिलती नहीं है, नहीं मिलती, और हमारे को कोई लगाता भी नहीं लगाता। अब 300 रुपए देते हैं, 300 में हमारे बच्चों का पालन होता नहीं, नहीं होता, 300 रुपए में कुछ भी नहीं होता है। सही बात है आपके, मतलब ये हर आदमी को मतलब सोचना चाहिए कि यार झूला ऐसी चीज है कि आदमी छिड़ा बिष्टा इसमें मिल जाता है, मिल जाता है।
क्योंकि वो आदमी हर उम्मीद रखता है कि यार मेले के अंदर चलेंगे, झूला खाएंगे, मोहिपुरी मिलेंगे, झूला खाएंगे, झूले के हिसाब से आते हैं ज्यादा, झूले के हिसाब से आते हैं। फिर मान के चलो भजन संध्या होती है उसके हिसाब से भी लोग आते हैं, आते हैं, क्योंकि भगवान इतनी कृपा करता है आदमी के ऊपर। सही है, सब भगवान सब एक ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमेशा, हम तो यही कहेंगे कि भाई सरकार वाले भी हमारे अगर वीडियो देख रहे हैं तो इन लोगों को जो रोजी रोटी के ऊपर आप कुछ ना कहें। मैं मानता हूं कि कुछ खाने पीने की चीजें वो भी आप सब पालना करें, और जितने लोग आए वो भी सब नियम से चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और बाकी इन लोगों का कोई भी कसूर नहीं है, तो इतना जो मेहनत करके जो सामान लेके, जैसे कोई मिठाई वाला है मान लो, वो तो एक दिन में ही आते हैं, एक दिन में चले जाते हैं, उनके क्या काम है। हम लोग ऐसे हैं नहीं तो मतलब हम चोरी करते हैं नहीं, और हमारा काम ऐसा है हम भूखे मर जाते हैं, हम मांग के ले लेंगे, बाकी हम चोरी नहीं करते। नहीं नहीं, और ये जो सामान है इसमें तो क्या, आप इसमें तो जैसे कोई आटे में कोई नमक डालेंगे वो हो जाएगा, इसको तो लगाना और फिट करना और वापस खोलना वो तो आपका डेली का काम है। डेली का काम है, फिर 10 टन माल को उठाना, लगाना, खोलना, मतलब ऐसे करके 40 टन की पड़ जाती है इसके अंदर। हम लोग इतनी मेहनत करके मतलब इसके अंदर खाते हैं जिसकी हद नहीं, मतलब खून पसीना एक लगा देते हैं, फिर हम इसको लगा के फिर हम हमारा मतलब पालन करते हैं खाने पीने का। हम मतलब चोरी चकारी कुछ नहीं करते, हमारे सामने अगर सोना ही पड़ा रहता है हम उसको कतई नहीं, नहीं 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 सही है, क्योंकि हम लोग क्या घर वाले वो लोग हैं हमारे साथ, बच्चा बच्ची सब साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसे झोपड़ी बना के जो रहते हैं और तुरंत आते हैं, तुरंत बना के झोपड़ी फिर रहते हैं, और इनसे बड़े मेले में इनसे टैक्स भी ले लेते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरा ननियाल बदनौर है और बदनौर का मेला काफी बड़ा लगता है, आपको पता होगा बदनौर आसिंद के पास में, बदनौर में, तो वहाँ पे मुझे पता है कि वो सरकार वाले आते हैं, टैक्स भी बहुत ज्यादा लेते हैं, जगह आंधी मुखी काम चलाते हैं तो है ना, वो सोचते हैं कि यार ये मोटी मुर्गी आएगी इनको पकड़ लो, ठीक है नहीं, बाकी रोड पे हजारा एक्सीडेंट होते हैं, सही ठीक है, उनको पकड़ो ना, सही है, उनसे करो, सही है, सही बात कही, मौका देख के चौका लगा देते हैं पुलिस वाले, सही है। और बाकी हम लोग क्या पढ़े हुए नहीं है, अंगूठा छाप है, जैसे समझा ऐसे समझ जाते हैं, सही है, चलो यार कोई बात नहीं, अब ये नहीं मान रहे तो चलो क्या है कर लो, सही। तो इस वजह से क्या है भाई, इस प्रशासन भी ध्यान रखे कि कोई आदमी भी परेशानी है तो उससे भी पैसा नहीं ले, सही है, सही है बात आपने, सही उसकी हेल्प करे, हेल्प करे, उसको बचाए, उसको उसको डराने धमकाने की बजाय उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उससे उनको सरकार तनख्वाह दे रही है 40-45 हज़ार के बीच में, सही महीने की, सही है, उनको गरीब आदमी से कहा लेने की जरूरत है, सही प्रशासन को, सही है भाई, प्रशासन को तो और हेल्प देनी चाहिए, हेल्प देनी चाहिए भाई, आपको यहाँ 500 आप ले लो मेरे, आपके बच्चों का पालन करो, पर सरकारी लूटने में बड़ी, सही है ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी हम हमारे चैनल और हमारी टीम की जितने भी हमारे सदस्य है वो आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ चुके हैं, और आप देख सकते हो कितना जो सामान लेके आते हैं, इसमें एक एक नट बोल्ट जो इन लोगों के लिए, जो ये इनका भगवान है, ये इनकी रोजी रोटी है, और इस पे ये जो आधारित है, निर्भर है। और मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप इन लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो, कहीं पे भी जैसे आपके गांव के आसपास में भी मेला लगे तो आप इनको, जैसे नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप इनको पैसे से, किसी भी प्रकार से आप इनको आर्थिक सहायता करें, और ज्यादा ना हो तो आप इनसे मिलेंगे तो भी ये खुश होंगे, भाई चलो उस गांव में गए तो दो आदमी हमारे से मिले और हमारे से बात हुई, सही है कि नहीं, कोई भी दो मिनट के लिए कोई भी मिले तो भी अच्छा लगता है। तो इसी के साथ जो आज का ये वीडियो है हम यही समाप्त करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गरीब है साहब, कल मजदूरी पे गए थे तो मजदूरी मिली नहीं और हमारा नाम और लगा दिया 5-10 हज़ार का, 5-10 हज़ार और लेके फिर उनसे झगड़ा करके आए विजयनगर। कहाँ पे? विजयनगर। अच्छा, अब माल का माल पटका लिया, कम से कम 40 टन बजरिया पटका ली, फिर उसके बावजूद में हम तो उसको छोड़ के आगे भी पैसे नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं अपनी क्यों भेजामारी करे, तो हम चुपचाप आगे तो बोले तुम चोरी कर लाए, फिर वापिस गए तो वापिस गए तो गलती उन्हीं की लिखड़ी, हमारे हम लोगों की लिखड़ी नहीं, फिर वो बोले यार तुम्हारे पैसे ले जाओ, मैंने कहा मेरे को पैसे चाहिए नहीं, आप पैसे से दुनिया के अंदर लोग के काम करा लेते हैं और मेहनत की मेहनत करा लेते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं और नाम का नाम और लगा देते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग नहीं तो मतलब हमारे पास नहीं कोई राशन पानी है, नहीं खाने पीने का है, नहीं कोई तेल है, कोई चाय है, सही है, कुछ भी नहीं है, मतलब जंगल के अंदर पड़े हैं आपके सामने। फिर ये जो आपका सामान है इसको आप किसमें भर के लेके जाते हो? इसको गाड़ी में डालते हैं। वो गाड़ी किराए करना पड़ता है? गाड़ी आपकी है? नहीं अपनी नहीं है, गाड़ी किराए की है और कम से कम 10-15 हज़ार रूपया खर्चा आता है उठाने में, ले जाने में, सही है, सही है। और आपकी जो हमारी टीम में जो आपकी पूरी कोशिश करेगी आप लोगों के लिए, और आप सभी आपका धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, धन्यवाद।